मध्य प्रदेश के जबलपुर में आरक्षण पीड़ित वर्ग मोर्चा आए दिन किसी न किसी विशेष आकर्षण के जरिए सरकार तक अपना संदेश पहुंचा रही है। चाहे वो जेल भरो आंदोलन हो या फिर पप्पू गप्पू रूपी गधों या ज्ञापन सौंपना, लेकिन इस बार गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय आरक्षण पीड़ित वर्ग मोर्चा के सदस्यों ने संसद में बैठे सांसदों का विरोध एक अनूठे ढंग से किया। अगर इस प्रकार की नीति हम लोग बनाएंगे तो हम आपकी ईंटें हिलाने में देरी नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपना बहुमूल्य मत दे करके और बड़ी आकांक्षाओं के साथ आपको संसद में भेजा। जी हाँ, जिस तरीके से आज आप लोग देख रहे हैं कि कई भैंसे और हजारों का समुदाय जो हम लोग के साथ चल रहा है, हम लोग सांकेतिक तौर से इन सभी सवर्ण ओबीसी सांसदों को ये जताना चाहते हैं कि जब महज एससी एसटी के 3-4 सांसद अध्यादेश लागू करवा रहे थे तो आप लोग कुंभकर्णी नींद सो रहे थे, और हम लोग जो आज भैंसों को सांसद की पट्टी टांग के हम लोग जो विशाल जनसमूह और एक रैली और एक शोभा यात्रा निकाली है, वो हम लोग उनके तक, उन सांसदों तक, उन सवर्ण ओबीसी सांसदों तक अपना मैसेज भेजना चाहते हैं कि जागो ओबीसी सांसदों, जागो जागो सवर्ण सांसदों, जागो, भैंस की तरह मत सो कि भैंस के सामने बीन बज रही और भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, खड़ी भैंस पगुरा रही है। तो हम लोग ये आज भैंस के सामने बीन की जगह हम लोग ने बैंड बजवाए हैं ताकि सभी सवर्ण ओबीसी सांसद जागे और अध्यादेश समाप्त करें, और प्रमोशन में आरक्षण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। यह आंदोलन अभी शांतिवादी तरीके से हो रहा है, अगर जल्द से जल्द अध्यादेश समाप्त नहीं हुआ और प्रमोशन में आरक्षण समाप्त नहीं हुआ तो हम लोग अपना आंदोलन उग्र करेंगे। होने वाली जनहानि और धनहानि की समस्त जिम्मेदारी प्रदेश। आज के सांसद भैंस के आगे बीन बजाने वाली हरकावत को चरितार्थ कर रहे हैं, लिहाजा आरक्षण पीड़ितों ने भी भैंस रूपी सांकेतिक सांसदों की फौज के आगे बीन बजाई। एसपीएन नए न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।